अभिवादे, अहम अस्मि दीपक कुमार झा। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स इति फेसबुक समूहे भक्ताम भक्तीनाम च स्वागतम। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका है नवंबर की, उसका पहला पाठ पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पर उसके दूसरे पाठ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्वितीय पाठ का शीर्षक क्या है। इसका शीर्षक है लोभा विष्ठ चक्रधरा, अर्थात लोभ ग्रसित चक्रधर। और इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ी सी इस पाठ की भूमिका को समझ लेते हैं। तो पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य से अतीव लोकप्रिय ग्रंथ है। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अतीव लोकप्रिय ग्रंथ है। एक पुस्तक है संस्कृत साहित्य में जो पंचतंत्र है, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा है, वो अतीव लोकप्रिय ग्रंथ है। न केवल भारतीय भाषाओं में, बल्कि जो वैदेशिक भाषाएं हैं, जो विदेश की भाषाएं हैं, उनमें भी उनका उसका अनुवाद हो चुका है और वो काफी लोकप्रिय है। न केवल अपने भारत में, बल्कि विदेशों में भी वो बहुत ही लोकप्रिय है। और इसके रचयिता विष्णु शर्मा है, इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। कहता है कि पंच भीर भागे विभक्त मिदम अन्वर्थतः पंचतंत्रम। कहता है पांच भागों में ये बटा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पंचतंत्र कहते हैं। अब वो पांच भाग कौन कौन से हैं जिसमें ये बटा हुआ है, तो आइए उसे जानते हैं। सबसे पहला भाग है मित्र भेदः, दूसरा भाग है मित्र संप्राप्ते है, तीसरा भाग है काकोतुकियम, चौथा भाग है लब्ध प्रणांसः, और पांचवा भाग है अपरीक्षित कारक। ये पांच भाग हैं इसके। और ये जो चार भाग हैं ऊपर के, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकियम, लब्ध प्रणांसः, इसमें पशु पक्षियों की कहानियां दी गई हैं। लेकिन ये जो अंतिम पाठ है अपरीक्षित कारक, इसमें मनुष्यों की भी कहानी दी गई है। और इसमें पशु पक्षी कहानी देने इसलिए विष्णु शर्मा जी ने दिया होगा, क्योंकि पशु पक्षियों से बच्चों का जुड़ाव अत्यधिक हो जाता है, बहुत ही जल्द हो जाता है, तो वो कहानी को जल्दी ग्राह्य कर लेते हैं, समझ जाते हैं उन कहानियों को। लेकिन ये जो अपरीक्षित कारक है, उसी से ये पाठ लिया गया है। लोभा विष्ठा चक्रधारा जो पाठ है, वो अपरीक्षित कारक भाग से ही लिया गया है। इस कहानी को हम जानते हैं। यहाँ मैंने सांकेतिक रूप से कहानी को दर्शाने का कोशिश किया है, क्योंकि श्वेत पत्र पर उतना कुछ लिखना संभव नहीं था, इसलिए आइए हम सांकेतिक रूप से मैं संस्कृत पढ़ूंगा और उसकी विस्तृत व्याख्या आप लोगों के सामने करूंगा। कहते हैं कस्मिंश्चित अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा वसन्ति स्म। कहता है किसी स्थान में, या हम कह सकते हैं किसी नगर में, चार ब्राह्मण पुत्र रहते थे और वो चारों ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र थे। ते दारिद्रोपहता मंत्रम चक्रुः, वो सब किससे परेशान थे, किससे पीड़ित थे, तो दरिद्रता से पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने आपस में मंत्रणा किया, चक्रुः अर्थात किया। अहो धिग्गीयम् दरिद्रता, अरे इस दरिद्रता को क्या है, धिक है, धिक्कार है ऐसी दरिद्रता को, क्योंकि कहा गया है, उक्तं च कहा गया है। अब यहाँ पर एक चार लाइन का श्लोक है जिसमें कहा गया है वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, बाघ हाथी से युक्त वन, जनीन हीनम निर्जन, बहु कंटकावितम कांटों से आच्छादित, तृणानि सैया घास की सैया, घास पर सोना, परिधान वलकलम, वलकल को पहनना, वलकल हम कह सकते हैं या मोटे वस्त्र को, या जो पेड़ पत्ते से जो वस्त्र बना के हम पहनते हैं उसको वलकल, वलकल का परिधान करना, वलकल को पहनना, नौ बंधु मध्य, ये सब हम कर सकते हैं। हम बाघ हाथी से युक्त जगह पर रख सकते हैं, जो निर्जन जगह है वहां हम रह सकते हैं, कांटों से आच्छादित जगह पर रह सकते हैं, घासों की सैया पर सो सकते हैं, वलकल वस्त्र को धारण कर सकते हैं। लेकिन धनहीन होकर, पास में धन नहीं हो, ऐसी स्थिति में नौ बंधु मध्य धनहीन जीवितम, धन से हीन होकर हम बंधुओं के बीच नहीं रह सकते, क्योंकि आज के युग में धन की उपयोगिता जो बहुत अधिक बढ़ गई है, धनहीन हीन होकर जीना बहुत ही कठिन होता है। ये इन्होंने आपस में विचार किया। उसके बाद कहते हैं तद गच्छामा कुत्र चिदार्थाय, हमें कहीं
जाके क्या कमाना चाहिए, अर्थ, अर्थ कमाना चाहिए। इति सन मंत्र ये आपस में विचार करते हैं और स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता, अपने देश को छोड़कर वो चले जाते हैं। जाते जाते ते अवंती प्राप्ता, वो कहां पहुंचते हैं, तो अवंती नाम की नगरी पहुंचते हैं। अवंती वर्तमान समय में उज्जैन, प्राचीन समय में अवंती हुआ करता था। अवंती पहुंचते हैं, वहां क्षिप्रा जले कृत स्नाना, क्षिप्रा नदी के जल में वो स्नान करते हैं। महाकालम प्रणम्य, और महाकाल महादेव को प्रणाम करते हैं और जाने लगते हैं। तो जाते ही उन्हें कौन दिखता है, भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभुव, उनके सामने में भैरवानंद नाम का योगी उनके सामने आता है। ते पृष्ठा, और वो उनसे पूछता है, कुतो भवंता समायता, तुम लोग कहां से आए हो, किम प्रयोजनम, और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। अब वो उत्तर देते हैं, वयम सिद्धि यात्रिका, हम लोग सिद्धि यात्री हैं। तत्र यास्यामो यत्र धन प्राप्तिर मृत्युर्वा भविष्यति, हम लोग या तो यहाँ से धन प्राप्ति करके जाएंगे या मृत्यु को प्राप्त करेंगे, ऐसा एस निश्चय, ये हमने निश्चय किया है। सिद्धिवर्ती चतुष्टयम अर्पयत, अब योगी ने क्या किया, वो जो भैरवानंद नाम का योगी था उसने बहुत प्रयास करके एक सिद्धिवर्ती उन चारों को दिया। गम्यताम हिमालय दिशा, और कहा कि तुम लोग हम हिमालय की दिशा में जाओ। यत्र वर्ती प्रतिष्ठति, और जहां तुम लोगों के हाथों से ये बाती गिर जाएगी, तत्र स्थानम खनित्वा, उस स्थान को खोदना, निधिम गृहत्वा निवर्त्या, वहां निश्चित रूप से तुम लोगों को क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा और वो लेके लौट जाना। तो यहाँ तक हमने इस कथा को देखा है, और यदि हम पूरे कथा पर बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और वो लोग आप लोगों को भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि पढ़ाई हमारा बोझिल हो, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हम हंसते खेलते इस पाठ को पूरा करें। तो अगले वीडियो में इससे आगे हम कथा को जारी रखेंगे, तब तक के लिए आप दीपक को दीजिए अनुमति, नमस्कार।